सब्सक्राइब कीजिए हमारे बिघट इंडिया चैनल को और घंटी के आइकन को दबाकर सबसे पहले कृषि संबंधी वीडियो को देखें। कॉपर्ट पौधों के सुरक्षा के लिए प्रस्तुत करता है पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक समाधान विडी ग्रीन पाथ। यह लाल कुटकी थ्रिप्स जैसिड्स और टी मस्क्यूटो बग जैसे कीटों पर प्रभावी है। विडी ग्रीन पाथ पोंगामिया ग्लैब्रा या करंज के बीज कर्नल से निकाला जाता है। इसका सक्रिय घटक करंजिन पौधों को कीटों से सुरक्षित रखता है। विडी ग्रीन पाथ 20,000 ppm या 2% ME या माइक्रो एनकैप्सुलेटेड तरल फॉर्मुलेशन है। यह कीट विकास नियामक के रूप में कार्य करता है। हार्मोन एग्डाइसोन कीड़ों में मोल्टिंग के लिए जिम्मेदार है। विडी ग्रीन पाथ मोल्टिंग की प्रक्रिया को रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप एंटीफीडेंट गतिविधि होती है जो आखिरकार कीट को दबा देती है। इसका लाल कुटकी और थ्रिप्स पर ओविसाइडल असर भी है। हम 3 साल से गुलदावदी उगा रहे हैं। पिछले साल लाल कुटकी एक बड़ी समस्या थी। कॉर्पोरेट अधिकारी ने हमें ग्रीन पाथ नामक एक दवा दी। यह लाल कुटकी और थ्रिप्स को प्रबंधित करता है। पौधों की वृद्धि भी अच्छी हुई, बड और फूल स्वस्थ हैं, हम खुश हैं। विडी ग्रीन पाथ में कोई हानिकारक रासायनिक पदार्थ वाहक या विलायक नहीं है। यह सिर्फ पानी में घुला एक प्राकृतिक उत्पाद है। यह उच्च जानवरों के लिए गैर विषैले और पर्यावरण अनुकूल है। विडी ग्रीन पाथ में कोई फाइटोटॉक्सिसिटी नहीं है, ना ही परागणकों परभक्षी और परजीवियों के प्रति विरोध। इसलिए यह एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणाली में आदर्श जैविक सामग्री है। विडी ग्रीन पाथ उपज में कोई अवशेष नहीं रखता है और इसमें पूर्व फसल कटाई अंतराल नहीं होता है, इसलिए यह निर्यात उन्मुख फसलों के लिए सुरक्षित है। विडी ग्रीन पाथ चाय फल और पत्तेदार सब्जियों जैसे खाद्य पौधों के हिस्सों पर धब्बा नहीं छोड़ता है। यह कीटों में प्रतिरोध विकसित नहीं करता है। करंज पेड़ के गिरे हुए फल कच्ची सामग्री है, इसलिए यह टिकाऊ है। विडी ग्रीन पाथ कीटों के सभी अवस्थाओं पर काम करता है। विडी ग्रीन पाथ के साथ एड्रोशूटिन गोंद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। एड्रोशूटिन एक ऑर्गेनोसिलिकॉन सर्फेक्टेंट है। यह फॉलियर अनुप्रयोग में फैलाव प्रवेशता प्रसार और अनुशोषण के लिए मददगार है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए स्प्रे तरल के 1 लीटर में 0.3 मिलीलीटर के दर से एड्रोशूटिन मिलाएं। कीट संक्रमण के पहले चरण में ही विडी ग्रीन पाथ का फॉलियर अनुप्रयोग शुरू कर दें। उपयोग से पहले अच्छी तरह से बोतल को हिलाएं और 1 लीटर पानी में विडी ग्रीन पाथ के 1.5 से 2 मिलीलीटर मिलाएं। 1 हेक्टेयर फसल के लिए 500 से 1000 लीटर के उच्च मात्रा वाले फॉलियर अनुप्रयोग की सलाह दी जाती है। सर्वोत्तम परिणाम के लिए सुबह या शाम के शुरुआती घंटों में विडी ग्रीन पाथ सॉल्यूशन का उपयोग करें। कड़ी गर्म धूप में उपयोग न करें। अच्छे छिड़काव के साथ पत्तों के निचले भाग में अनुप्रयोग से कीटों के नियंत्रण में अच्छा सफलता मिलता है। कीट संक्रमण के आधार पर सभी फसलों के लिए 8 से 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 अनुप्रयोग की सिफारिश की जाती है। विडी ग्रीन पाथ ने गुलाब में लाल कुटकी और थ्रिप्स के विरुद्ध 70% से 75% दक्षता दर्ज की है। मैं 18 साल से एक्सपीरियंस है। गुलाब की खेती में मुझे 18 साल का अनुभव है। मैं ग्रीन पाथ नामक एक दवा का उपयोग कर रहा हूँ। यह लाल कुटकी और थ्रिप्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। पत्तियां अब स्वस्थ हैं। हमें बहुत अच्छे फूल मिल रहे हैं। बहुत अच्छा फ्लावर आ रहा है, बहुत अच्छा फूल आ रहा है। चाय फसल के लिए 1 लीटर पानी में विडी ग्रीन पाथ के 2 से 3 मिलीलीटर का प्रयोग करें। विडी ग्रीन पाथ गुलाब गुलदाउदी अंगूर अनार कैप्सिकम मिर्च टमाटर खीरा और अन्य फसलों में लाल कुटकी थ्रिप्स
और अन्य चूसने वाले कीटों का प्रभावी नियंत्रण देता है। हम पिछले 10 वर्षों से टमाटर उगा रहे हैं। हमारे टमाटर के पौधों पर लाल कुटकी और थ्रिप्स आम थे। हमने गम के साथ 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर ग्रीन पाथ का इस्तेमाल किया। कीड़े चले गए हैं, पौधे अब स्वस्थ हैं, फसल भी अच्छा है। फसल चनाक बंदी देगा। उत्पाद के तारीख से 24 महीने की अवधि तक विडी ग्रीन पाथ स्थिर रहता है। यह जैव और रासायनिक कीटनाशकों के साथ संगत है। विडी ग्रीन पाथ के इनहेलेशन और त्वचा संपर्क से बचें। इसे इसके मूल डब्बे में कसकर सामान्य तापमान में बच्चों की पहुंच से बाहर रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पिकहट इंडिया चैनल को।